नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सितारगंज नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में दीपावली का मेला 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी के दिए जलाते हैं और अपने दिल की मुरादें पाते हैं, जिसके चलते मेला बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, जिसपे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 24 घंटे लंगर का इंतजाम करती है जिससे कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहता। और ये मेला 20 एकड़ जमीन पर लगाया गया है। दीपावली मेला हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी 16 अक्टूबर से आरम्भ हुआ था जो 9 नवम्बर तक चलेगा। इसमें लाखों की तादाद में संगत जो है आकर शीश नवाती है और पीपल साहब का जो पेड़ है उसके नीचे घी के दिए जलाकर अपनी श्रद्धा का प्रगटावा करते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है, जिसमें विशेष हमें उसके लिए हम तैयारियाँ करते हैं कि आने वाली जो संगत है उसको किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। जो मेला लगता है हम एक महीना पहले तैयारी शुरू करते हैं, जिसमें रंगाई पुताई वगैरह जो भी हमारा काम है एक महीना पहले से तैयारियाँ हम शुरू कर देते हैं। कितने बीच में लगभग लगता होगा ये? लगभग 20-22 एकड़ का एरिया है जिसमें पूरा जो दीपावली का मेला जो है लगता है। कितनी दूर दराज से लोग आते हैं? लोग तो देश विदेश से भी आते हैं लोग यहाँ पर, पंजाब हरियाणा इधर हिमाचल वगैरह से भी आते हैं लोग, सोरों कासगंज बदायूं एटा की तरफ से, मतलब सभी जिलों से लोग शाहजहानपुर लखीमपुर खीरी तक के लोग यहाँ पर आते हैं।